भारत में गूगल का ऑफिस देख क्या बोले पाकिस्तानी लोग सारी की वीडियो पर देखते हैं वीडियो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी इस पर फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो डेली स्वैग का, और इसमें वो बता रहे हैं कि जो भारत में गूगल का ऑफिस है उसका टूर का वीडियो दिखाएंगे वो लोगों को, और उससे पूछ रहे हैं कि भाई देखिए बिल्डिंग को, इमारत को क्या। चलिए देखते हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सर, ये वीडियो देख के आपने बताना है कि ये कौन से मुल्क का लग रहा है आपको। ये गूगल का हेड ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस। जी जी जी, ये देखिए अंदर से कैसा खूबसूरत बनाया हुआ, क्या बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको बहुत तरक्की दे, बहुत अच्छा है। खाने कैसे हैं? ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये देखें कैसा डेकोरेट किया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखें, ये कॉफिटेरिया, यहाँ पर बैठ के आप बातचीत कर सकते हो। जी तो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, खूबसूरत है। इन चीज़ों का गरीब आदमी, जी जी, कैसे डेकोरेट किया जी, बिल्कुल जी। ये आपने आप बताना कि ये कौन से मुल्क में हो सकता है। ये देखिए जिम भी है अंदर, ये गूगल का हेड ऑफिस के अंदर ये सारी सीन है, ये गेम भी है, बंदा काम कर करके थक जाए। गेम पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है मेरे ख्याल, पाकिस्तान है, पाकिस्तान लग रहा है। लोग जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तानी है, मुसलमान है। सर अगर पाकिस्तान के अंदर गूगल का हेड ऑफिस होता तो आज हम हमारे ये हालात होने ही नहीं थे जी। इस बारे में मुझे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। और कोई बताएं, यूरोप का कोई ममालिक होगा। यूरोप के अंदर देसी लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पर तो गोरे होने चाहिए। उधर देसी काम करते हैं, देसी लोग बहुत हैं। मेरे दोस्त बहुत हैं लेकिन फोन नहीं करते मुझे वो। अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पर जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है जी, ये इसलिए फोन नहीं करते होंगे कि कुछ मांग लोगे यार भाई, कुछ $500 भेज दे भाई, कुछ 100 यूरो भेज दे भाई, कुछ 20 पाउंड भेज दे, ये भी तो होता होगा। इस तरह से नहीं करते होंगे फोन हमारे ही। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, पाकिस्तानी है, एशिया कंट्री है, हमारे आसपास के लोग, कंट्री है, आसपास की कंट्री है जी। ये मलेशिया होगा, मलेशिया के अंदर भी सारे चाइनीज के जैसे लोग हैं जी, यहाँ पर सारे इंडियन इंडियन जैसे पाकिस्तानी जैसे लोग हैं जो के नजर आते हैं जी 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 मुझे तो पाकिस्तानी लग रहा है सर, ये पाकिस्तानी लोग हैं सारे। पाकिस्तान में कहा आपको कि गूगल का हेड ऑफिस नहीं मौजूद जी, तो सॉरी सर मुझे नहीं पता। गेस करें, हमारा पड़ोसी मुल्क है कोई? हमारा पड़ोसी तो साथ है, ये इंडिया ही है। तो क्या इंडिया में हो सकता है ये? शायद तो इंडिया में हो, शायद ये इंडिया में ही है जी जी। सॉरी मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बता सका, मैं माफ़ चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, वो गूगल भी है वहाँ पर, यूट्यूब भी है वहाँ पर, उसके बाद एप्पल स्टोर भी है वहाँ पर, वहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ है, मर्सिडीज वहाँ पर बनती है, वहाँ पर टेस्ला आ चुका है, वहाँ पर सर अगर बात करेंगे $4 trillion की उनकी इकोनॉमी हो चुकी है। जी, जी, क्या कहेंगे, वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं आप सर। वो उनके जो हुक्मरान है वो ठीक है ना, ये हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है, ये बस अपना देख रहे हैं कि बस हमारा चल रहा है, हम खा रहे हैं, दूसरे मर रहे हैं, मर जाएं। ये वो उनका हुक्मरान ठीक है। सुना है मैंने कि वो कोई गरीब था, चाय बेचने वाला था, लेकिन माशाल्लाह वो देखा जाए तो जो भी है हिंदू है, जो भी है, लेकिन वो इतने सालों से उसकी हुकूमत है, ये अंदर की तरह लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। गरीब आदमी का पता ही नहीं। बिल्कुल सही होगा। कैसे आप लोगों ने जानी, ये थी पाकिस्तानी शहरी की राय, जिन्हें गूगल का नहीं पता, जिन्हें फेसबुक का नहीं पता था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बात की, जिस तरह से इन्होंने अपने एक्सप्रेशन बताए, बहुत ही नायाब थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक हूँ सर। नाम आपका? हुसैन। क्या करते हैं? मैं मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह का करता हूं। अच्छा, जबरदस्त हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे मुल्क के अंदर गूगल का, फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का कोई मैन हेड ऑफिस है? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तो मैं कभी नहीं नजर आया, कहाँ पे नहीं नजर आया। नहीं तो आपको मैं आज टूर करवाऊंगा, गूगल का मैन हेड ऑफिस है, तो आपने बताना है कि ये कौन से मुल्क में हो सकता है।
ये गूगल का मैं, ये बंदा जा रहा है अंदर, ये गूगल लिखा हुआ ऊपर, ये देखिए अंदर ये बना हुआ अमेरिका। हाँ जी अमेरिका में। ये आपने गेस करना, आपने बताना है, मुझसे पूछना है, मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? बता रहा हूँ। अमेरिका में? हाँ। फिर से गौर से देखें, बाहर से तो पाकिस्तान लग रहा है। बाहर से क्या लग रहा है? पाकिस्तान लग रहा था। अच्छा पाकिस्तान में है इस तरह की गाड़ियाँ, इस तरह के बनाया हुआ पाकिस्तान में? आपने कहा कि है ही नहीं गूगल का मैन ऑफिस। नहीं मैंने यहाँ पे नहीं देखा। कहा नहीं ना देखा? नहीं। ये पता किधर है? किधर आप गैस करो किधर हो सकता है? अंदर जिम जिम सारा कुछ बना हुआ, हर एक चीज के बारे में देखे ना कितनी डिटेलिंग है। लोग इसमें पाकिस्तानी नजर आ रहे। लोग पाकिस्तानी? हाँ लोग तो वीडियो में पाकिस्तानी नजर आ रहे। ब्राउनिश सारे पाकिस्तानी, हर तरफ पाकिस्तानी ब्राउनिश होते हैं। चले ये भी देख, क्या कहेंगे? ये मुझे लग रहा है बाहर ही, पाकिस्तान से बाहर का ही है, यहाँ का नहीं है ये। कंफ्यूज हो गए, बताओ मैं किधर है? ये इंडिया में है। इंडिया में? जी। वाह क्या बात है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये? पाकिस्तान में मैन हेड ऑफिस नहीं है भाई किसी चीज का। यहाँ पे क्या है फिर? यहाँ पर अल्लाह की सिर्फ दुआएं है हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास पता नहीं क्या, हमारे मुल्क में है ही नहीं, इंडिया में है। देखो इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में होना चाहिए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये सवाल है ना बहुत सर। उनके पास उनका अपना फेसबुक, उनके अपना फेसबुक का हेड ऑफिस वहाँ पर एप्पल गया हुआ है, वहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी मर्सिडीज वो अपने बना रहे हैं, हमारे पास कोई चक्कर नहीं है भाई, क्या तो कहेंगे? अब टाटा की गाड़ियाँ भी उनकी अच्छी हैं, मारुति वगैरह यहाँ पे 2,00,000 रुपए में गाड़ी दे रहा है। हाँ। ये बाइक आपने कितने की ली थी, बाइक दिखाइएगा जरा भाई। ये तो अब 1,00,000 से ऊपर की हो चली है। अच्छा 1,50,000 पे बात पहुंच गई है। 1,50,000 की होगी 70 जी। अगर 1,50,000 में अगर आप 1,00,000 और लगाएंगे 2,50,000 रुपए में वहाँ पर आपको आल्टो मिल जाएगी। हाँ। 0 मीटर। यहाँ बाइकें इतनी महंगी हो गई हैं और हर चीज महंगाई बहुत है हमारे मुल्क में। 70 मतलब क्या, ये 70 cc की बाइक है? पाकिस्तानी मुझे बताएंगे जो 70 आप लोग कहते हैं, क्या ये 70 cc की बाइक है? या आप जो भी जानता होगा मुझे कमेंट में जरूर बताए, क्या ये 70 cc की बाइक है? 70 cc की बाइक 1,50,000 रुपए की पाकिस्तानी रुपए में, तो अगर मैं मान लो 4 से भी कर दूं तो कितना होगा, 40,000 इंडियन रुपीज होंगे। तो मैं क्यों कर रहा हूं भाई, 70 की बाइक्स तो हमारे यहां, मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने अपने 42 साल का हो गया, मुझे पता भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने 70 की बाइक कब देखी होगी। लास्ट मैंने देखी थी CD 100 देखी थी हीरो होंडा की, वो भी तब जब मेरे फादर के पास थी बहुत पहले, मतलब जब मैं शायद 7-8 साल 6 साल का रहा होगा तब, तब 100 cc की वो बाइक थी। उसके बाद फादर ने ली थी आई थिंक, उसके बाद राजदूत ली थी 125 cc इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो थी, और उसके बाद फिर मैंने बाइक अगर ली मैंने तो फिर मैंने हीरो होंडा हंक ली थी, 150 cc की बाइक थी, और वो बाइक मैंने ली थी 2008 में आई थिंक, 7 में लिया था मैंने 150 cc की बाइक उस समय, और उस समय शायद मुझे वो बाइक पड़ी थी हीरो होंडा हंक। जिन लोगों ने हंक चलाई है आप लोग जानते होंगे कि भाई कितनी शानदार बाइक है, अभी भी है। अब मतलब मुझे तो वो बाइक बहुत प्यारी लगी थी, इतनी शानदार चलती थी बाइक। तो शायद 70,000 के करीब ली होगी मैंने, आज से तो वही 2007-2008 में ली होगी शायद, 2007। आप सोचिए, और 70 अभी भी पाकिस्तान में चल रही है, कमाल है यार। तो क्या कहेंगे, अगर उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते तो आज हम भी खुशहाल होते। ऐसा ही है। तो हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते उनके साथ? बस हमारी वाम ऐसे ही, वो कर ही नहीं सकती बस। क्या कर सकती है हमारी वाम? हुक्मरान क्यों नहीं करते रिलेशन बेहतर? बस वो जो भी आता है यहाँ अपने चक्करों में होता है, इसलिए गूगल का ऑफिस यहाँ पे। तो गूगल से जो लोग कमाते हैं अगर उनका अकाउंट बंद हो जाए, अगर उनके से मतलब कि कोई एडसन बंद हो जाए गूगल, तो वो अब रब्ता करने के लिए अमेरिका जाएंगे? वही ना, यहाँ पे कुछ मेन ऑफिस हैं ही नहीं इनके। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू।
अच्छा देखिए, आप कह रहे हो ना गूगल का ऑफिस है, उसका होने से क्या फ़ायदा हुआ? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है मुजम्मिल भाई ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मेरे दो चैनल हैं, तो आप समझिए कि गूगल की तरफ से दो लोग मेरे पे डिप्यूट हैं, जो हर महीने मुझे कॉल करते हैं, मेरे साथ उनकी एक मीटिंग होती है, वो बताते हैं कि आपके चैनल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो पूरा सपोर्ट देते हैं, और वो गूगल के बंदे हैं यहीं पे भारत में। तो ऑफिस होने का ये फ़ायदा है, वो मेरे डेटा पे देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर वो एक्सपर्टीज मेरे साथ शेयर करते हैं कि देखिए आपका यहाँ पे ये ठीक चल रहा था, ये गड़बड़ चल रहा है डेटा में, ये है कुछ ऐसा, नए नए जो अनाउंसमेंट होती हैं यूट्यूब की तरफ से उसके बारे में मुझे बताते हैं, हर चीज़ मुझे बताते हैं, मतलब पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है मुझे। मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं उनको बोलता हूँ, ये फ़ायदा है हमें। और वीडियो कॉल पर बाकायदा मीटिंग होती है हर महीने मेरी, हर चौथे हफ्ते के बाद एक मीटिंग होनी फिक्स होती है, वो खुद ही करते हैं, सर मीटिंग करते हैं, ये बात करते हैं, ये डेटा आया, ये डेटा आया, तो हम सब ये मिलकर बात करते हैं, फिर चैनल के प्रोग्रेस पे बात करते हैं, रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो कितनी बड़ी सहूलियत है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? रिशान मकबूल। क्या करते हैं? मैं जॉब डेस्क ऑन में। अच्छा, जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर गूगल का हेड ऑफिस आया हुआ है? No. No. नहीं आया हुआ? नहीं। क्यों नहीं? पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का, ना कोई यूट्यूब का, ना फेसबुक का, ना गूगल का, कोई भी मेन बड़ा हेड ऑफिस नहीं, ना एप्पल आया हुआ, कोई भी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है? सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी हमारे फॉरेन कंपनीज है पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रही। टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बट द मेन रीज़न इज़ डैट के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये सब फैक्टर्स हैं हमारे। सर हम कहते हैं टैलेंट बहुत ज़्यादा, हमारे व्यूवर्स देखने वाले कहते हैं कि भाई अगर इतना टैलेंट है तो वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता? आप इंडिया में टैलेंट है, आप देख लें गूगल का सीईओ इंडियन है, यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, अच्छा वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन है, हर बंदा कहता है कि भाई इंडियन सीईओज हैं, उनके पास टैलेंट है, वो नज़र भी आता। आप लोग का टैलेंट है कहाँ है? वो कह रहे हैं कि बताओ कौन से बड़े ऑफिस के अंदर आपका सीईओज है। नहीं जी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आप देख लें हमारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं फाइबर अपवर्क वगैरह, इनके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स इनफ्लो हैं मेजर जो है इन्हीं की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर डॉलर इनफ्लोज आ रहा है। आप देखें इनकी अर्निंग्स, आप इनकी कलेक्शंस देखें, और आप जो बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्यों नहीं है सीईओ, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि अभी मैं एक मेजर साइट कंपनी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, नेटसॉल कंपनी है सलीम गोरी, जो कि एक बेहतरीन। कौन से कंट्री बेस है ये? पाकिस्तान की कंपनी है नेटसॉल, जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, और उनके जो सीईओ हैं सलीम गोरी साहब, जो कि पूरी दुनिया में एक माने जाने अच्छे जो हैं वो इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, जैसे अमेरिका के अंदर बिल गेट्स हैं, इस तरह वो पाकिस्तान के बिल गेट्स माने जाते हैं। भाई पाकिस्तान के इस बिल गेट्स का नाम तो मैंने नहीं सुना भाई। आप लोग कंपेयर कैसे कर लेते हो यार? बात चल रही है गूगल की, बात चल रही है यूट्यूब की, बात चल रही है माइक्रोसॉफ्ट की, और आप एक ऐसी कंपनी को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया जिसका नाम मैं पड़ोसी होने का नाम था, मुझे भी नहीं पता। वो छोड़ो, हमारा टाटा, हमारे बिड़ला, हमारे अंबानी, हमारे अदानी, इनको दुनिया पहचानती है। हम बिल गेट्स को भी जानते हैं, हम सत्या नडेला को भी जानते हैं, हम कईयों को जानते हैं, इनका नाम तो हमने सुना ही नहीं, और आप कंपेयर कर रहे हो इनसे। भाई साहब किसी ऐसी कंपनी को लेकर आओ जो थोड़ा पाकिस्तानियों के आईक्यू लेवल का होना। कायल हूं भाई साहब, कायल हूं मैं आईक्यू लेवल का यार, कसम से। हमारी आरफा करीम, क्या किया आरफा करीम ने? अरे नासा में चली गई, और ही हो गया। अच्छा अचीवमेंट, नासा में चले जाना अचीवमेंट हो गई? नासा में 50,000 लोग काम करते हैं, उनमें एक एम्प्लॉई आरफा करीम भी बन गई। ये मौजूद है सर, आपने नाम लिया तो इसके बारे में तो बहुत कम लोगों को जानकारी होगी या इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में, नॉलेज बहुत कम है जिस कंपनी का आपने नाम लिया। बेशक इतना फेमस मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमें जाने कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की एक पहचान होनी चाहिए कि अगर हम भी बड़ी कोई कंपनी खुद से ईजाद करें।
अगर मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक बिल्कुल माने जाने हैं, वो सीईओ होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर भी हैं यहाँ पे ना, एज एन जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने जो रीड किया तो वो ऑस्ट्रेलियन के एम्बेसडर भी हैं पाकिस्तान में, तो वो पहले ही मौजूद हैं। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारी यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कि पाकिस्तान का नाम बाहर रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं ऑलरेडी। यार मैं भी अपनी कंपनी का सीईओ हूँ यार, जो मैंने कंपनी खोली है, जो मैं कंपनी चला रहा हूँ उसका सीईओ तो मैं ही हूँ। मैं भी बड़ा आदमी हो गया, मतलब हाँ यार बड़ा आदमी बन गया मैं तो अब तो, मेरे जैसे करोड़ों घूम रहे हैं यहाँ पे सीईओस हमारे यहाँ इंडिया में ना, करोड़ों। अरे बात करो उनकी जिनको दुनिया पहचानती है, सुंदर पिचाई को दुनिया पहचानती है, सत्या नडेला को दुनिया पहचानती है, अजय बंगा को दुनिया पहचानती है। मैं तो नाम लेने बैठूंगा तो भाई साहब आपको आइडिया भी नहीं है, किसी ने ट्विटर पर शेयर किया था कि कितनी कंपनीज में इंडियन सीईओज हैं और इंडियन चला रहे हैं, वो लिस्ट इतनी लंबी है और ये बड़ी कंपनीज हैं। छोटी कंपनीज, जो छोटी कंपनीज का मतलब ये भी नहीं कि बहुत छोटी, अगर मैं उसकी बात करूंगा वो कौन सी कंपनीज होती हैं यार, 1 बिलियन के पार वाली यूनिकॉर्न कंपनीज, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं हमारे यहाँ जो 1 बिलियन के पार है जिनका पूरा मामला, वैसे कितनी कंपनीज होंगी आपके पूरे पाकिस्तान में? और ये पिछले 5-7 साल में खोल दी हमने जो 1 बिलियन के पार चली गई। कंपैरिजन भी करो तो थोड़ा यार, लगे ना कि हाँ यार बात हुई है, एकदम कंपैरिजन हुआ है जबरदस्त वाला। हो गया इसी बरक्स आपको ना मैं टूर करवाऊंगा आज, जो गूगल स्टोर है, जो गूगल का हेड ऑफिस है उसका टूर करवाऊंगा। आपने बताना है कि ये कौन सी कंट्री में आपको लग रहा है कि ये बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है जी? श्योर। पढ़ लिया? हाँ या इट्स इन इंडिया। ये इंडिया में आपने पढ़ लिया नीचे। क्या कहेंगे कि यार इंडिया के पास सब सारे आउटलेट्स हैं, सब हर एक हेड ऑफिस इंडिया में पाया जाता है, तो वहाँ पर क्यों यार हमारे पास क्यों नहीं आज भी एक भी? मैं यही पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे गूगल्स हैं और जितना बड़े बड़े स्टोर्स हैं, एप्पल वगैरह और भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, और उनके ऑफिसेज पाकिस्तान में लाए जाएँ, उनको वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए, हमारे यंगस्टर्स को वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए, ताकि कुछ हमें भी वहाँ से लर्निंग का मौका मिले। बेसिकली इन सब चीज़ों के ना होने की वजह से जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बाहर मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक लॉस है। हमारा जो टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज में बाहर काम कर रहा है, जो कि वैसे एक बात बताऊं, लाई नहीं जा सकती, वो आती हैं। जैसे इज्जत लाई नहीं जा सकती, इज्जत कमाई जाती है, मतलब इज्जत खरीदी नहीं जा सकती कि आप जबरदस्ती खरीद लें, हाँ किसी भी दम से खरीद लें, पैसे से खरीद लें, इज्जत कमाई जाती है। वैसे ही कंपनीज आती नहीं है, लाई नहीं जाती हैं, वो खुद आती हैं जब आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है। अब समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी जो ना समझे वो नहीं समझे होंगे। देखिए दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बना रहे, दुनिया की महंगी तरीन हर चीज़ों का अगर लिस्ट निकालेंगे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब तरीन मुल्क। सर मैंने सारी बातों का निचोड़ बता दिया आपको कि डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, हर पीपल का जो ऊपर बैठा हुआ है उसका इंटरेस्ट है, उसका अभी चले बातें सारी होगी, मैं मान ली सारी बातें कि इंटरेस्ट है, इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक की तरफ कैसे आ सकते हैं? ठीक है कि अपना बेस्ट दें, लॉयल हों मुल्क के साथ, जो भी हमारे ऊपर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए और जो भी अपने अपने डिविजन्स में काम कर रहे हैं वो मुल्क के साथ लॉयल हों कम अज़ कम। आपने तो अपनी एज गुजार ली है, जो हमारी कमिंग एज है, फ्यूचर्स यंगस्टर्स हैं उनके फ्यूचर्स का देखें आप, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद। चलिए दोस्तों तो ये था गूगल का ऑफिस देखने के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन। लेकिन वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए गूगल जैसी कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे यहाँ, आप हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, मतलब आपको ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, ऐसे ऐसे ऑफिसेज नजर आएंगे जो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई किस दुनिया में की हैं ये, और वो हमारे इंडिया में। आप पुणे में जाकर देखिए यार, पुणे देखकर आप हैरान रह जाएंगे
जिस तरह से वो सिटी ग्रो हो रही है, जो वो भी हब बन रही है कंपनीज के लिए, वो भी हब बन रही है। आप इधर आएंगे तो आप इधर, आपको मेरे नोएडा में, नोएडा में एक से एक बिल्डिंग, मेरे घर से 200 मीटर दूर जो बिल्डिंग्स हैं, तस्वीर मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा, आप देख के पागल हो जाएंगे। आप कैसी ऑफिस वाली बिल्डिंग्स हैं, वो छोड़िए, गुड़गांव चले जाइए, वहां की ब्यूटी आप देखिए, वहां पे बिल्डिंग्स, वहां के ऑफिसेज देखिए, उनका स्ट्रक्चर देखिए, दुनिया में आपको लगेगा कि वर्ल्ड लेवल पे वो चीज आपको नजर आएगी कि उस लेवल की चीज बनी हुई है। और जो गुड़गांव में लोग रहते हैं, जो पुणे में लोग रहते हैं, जो नोएडा में लोग रहते हैं, जो हैदराबाद में लोग रहते हैं, वो बताइए। और ये मैंने चूंकि इसलिए किया कि आईटी, गूगल की बात की तो आईटी वाले की बात की, वैसे आइए तो मुंबई में देखिए यार, क्या एक से एक बिल्डिंग्स हैं मुंबई में, और आज से नहीं है, 50 साल पहले से हैं। और अभी याद आया, अडोबी, अडोबी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें भी इंडियंस हैं, उसका ऑफिस यही नोएडा में है, और वो आज से नहीं है, आई थिंक 20-22 साल 25 साल पहले मैं वो ऑफिस देख चुका हूं, उसी रास्ते में ऑफिस, अपने ऑफिस जाता था। तो बड़ी शानदार सी बिल्डिंग है, सेक्टर 25 में या 22 में कहीं आसपास है यहां पे, तो वो आज की नहीं है। तो आप मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, साइबराबाद, और पता नहीं साहिबाबाद, पता नहीं क्या, मतलब मैं तो शहर गिनते गिनते थक जाऊंगा यार, नोएडा, आप इमारतें देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोग को आइडिया भी नहीं है कि इंडिया का इंफ्रा कहां पहुंच गया है, जरा भी आइडिया नहीं है आप लोगों को। और रही बात बड़े बड़े ऑफिसेज की, तो गूगल का है, अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। मेरा जो ब्लास्ट ऑफिस था एबीपी न्यूज, जिसमें मैं था, वो जिस बिल्डिंग में था, वो बिल्डिंग आप देख लेंगे तो कहेंगे क्या क्या जबरदस्त ऑफिस है, और उसमें ऊपर के 4 फ्लोर माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और वो जो पूरा ऑफिस बना है और माइक्रोसॉफ्ट के एक आध ऑफिस नहीं है, कई ऑफिस है पूरे देश भर में, और गूगल का भी एक नहीं है, कई ऑफिस है देश भर में। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो वो ऑफिस है जहां पे मैं काम कर रहा था, हमारे ऊपर ही था वो, पूरा ताजमहल के उस पर बना हुआ है, ताजमहल की झलक आती है उसमें से। तो आप लोगों को तो आइडिया नहीं है, मैं कहूंगा कि जो इंफ्रा से रिलेटेड वीडियोस आते हैं ना, ये बिल्डिंग, ये शहर, आप लोग वो जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया कहां है और पाकिस्तान कहां है। कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। अच्छा, पाकिस्तानियों को मतलब वहम था कि, जारी बात है, इंडियन और पाकिस्तानियों का जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, क्योंकि यहाँ एक ही डीएनए की पैदाइश है ना, मतलब तो ये है मकसद से बात करने का, एक ही डीएनए से आगे ये हमारी सारी प्रबंधकारी हुई है, तो फिजिकली ये हम एशिया के लोग जो हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, साथ में अफगानिस्तान के भी हम, ईरान के लोग, ये बनना इनके, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के जो फिजिकल अपीयरेंस है या उनकी जो खदो खाल है जिसे हम कहते हैं चीज़ें, वो पाकिस्तान और इंडिया के मास लेता है, इसलिए वो थोड़े से बेचारे कंफ्यूज होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये गूगल है, गूगल का ऑफिस है, उनकी जानकारी नहीं थी कि गूगल का ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में। है रहमतुल्ला, तुम्हें पता है क्या कोई है मेरे घर में, तो नहीं असलम में कोई है नहीं। मेरे घर में नहीं, कि मुझे भाई अगर सर्च करना पड़ेगा इस वीडियो के बाद, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई गूगल का ऑफिस है, कोई भी नहीं है, नहीं है। और मैं तो ये चौंक गया लोग सर की बात सुनकर, क्योंकि उनके दो चैनल है, एक डिफेंस डिटेक्टिव है और एक डीटी रिएक्ट है, और एक इनका विलांग चैनल भी है, तीन है बताया ना दो है। उस पर कभी कभार वीडियो आती है, कभी 6 महीने बाद, साल बाद कोई डाल देते हैं कभी कभार। तो असल में बात मकसद करने का यह है कि वो कहते हैं कि मुझे गूगल की तरफ से कॉल्स आती हैं, इंस्ट्रक्शन आती हैं, हमें तो आज तक नहीं आई। असल में पता क्या, उनके यही वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में गूगल का ऑफिस होने का मुझे फायदा ये मेरा है कि मुझे वहां से इंस्ट्रक्शन, हालांकि दो बंदे वो कह रहे हैं कि गूगल के जो है ना मुझसे रहता यार, एक चैनल पर एक होगा ना उनका, दो चैनल्स की बात, दूसरे पर दूसरा होगा, हाँ, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शन भी देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपके चैनल फिर कितने गूगल ने ये मसला मसाइल चल रहा है, और जो कहते हैं कि नई अपडेट्स आती है ना तो उससे भी मुझे आगाही देते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि शानदार है यार, बहुत कमाल की बात है, क्योंकि उस मुल्क में है ना तो उसके लिए इनको बड़ा फायदा है इस बात का। भाई मैं तो सुनकर थोड़ा हैरान होगा कि फिर हमें क्यों नहीं बताया जाता, ये भी तो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है
कि हमारे सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि उनके दोनों चैनल पर मतलब लाखों सब्सक्राइबर हैं, हमारे तो अभी हजार भी नहीं, डबल फिगर भी नहीं हुआ। ये वजह भी हो सकती है, शायद हमें भी कॉल्स आए बाद में, अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं है। ईमेल कभी कोई आ जाती है तो उसके अलावा जो है ना अदरवाइज, तो भाई अदरवाइज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमें भी कॉल आती है कुछ इस तरह का सीन होता, लेकिन भाई वो लोग अंकल ने ये बताया है कि हमारे जो है ना मुल्क में कंट्री में उनका ऑफिस है गूगल का, इस वजह से कॉल आती है, शायद ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे बदकिस्मत से तो कोई भी किसी उस ऑफिस में जिम, उस ऑफिस में कैफेटेरिया, उस ऑफिस में समझ लेंगे वो खेलने वाली सारी का यकीन कर जाए, वो जो उनके जिम के ऊपर वो उनकी छत थी ना, छत में जो उनकी सीलिंग हुई थी मतलब कि लाइटिंग वाली सीलिंग, यार वो कमाल की थी। आपने सीन पर नहीं गौर किया, मैंने गौर किया था, यकीन कर बड़ी मजेदार का ऑफिस उन्होंने बनाया। मैं कहता हूँ कि इस तरह के ऑफिस पाकिस्तान में शायद कहीं हो, जहाँ मुझे उस बंदे पे जो भाई पान भी चबा रहा था और साथ साथ कर रहा था, यार नफरत हो रही थी, पता एशिया के बंदे हैं या तो पाकिस्तानी होंगे या फिर इंडियंस होंगे, नहीं पाकिस्तानी है, पाकिस्तान। तो उसने बताया भाई पाकिस्तानी है, नहीं फिर यूरोप का कोई कंट्री होगा, तो उसने कहा कि भाई वहां पे तो गोरे होंगे यूरोप। अजीब है यार इनकी, चले शक्लो सूरत तो हमारी मिलती है पाकिस्तानी और इंडियंस की, चले आप पाकिस्तानी, उसने बताया कि पाकिस्तानी, नहीं तो आप यही गैस करेंगे भाई वो इंडियंस है। हाँ ये बात तो है, ऐसे घुचू बंदे भी मैं समझता हूँ कि वहां पे इंटरव्यू देने आ जाते हैं जिनको यही नहीं पता इंटरव्यू देना क्या है। ये तो होते हैं आप हर जगह में पाए जाते हैं, साथ पांच बार है साथ साथ कोई अंदाजा एस्टिमेट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से बड़ा मांग रहा था। मेन बात ये देखें चिकन चौधरी, इंडिया में हर एक जो है ना कंपनी है, हर जो फॉरेन जो है ना कंपनीज उनकी इधर हेड ऑफिस इधर भाई हमारे देख लें कि अमेजोन जो है, अमेजोन हमारे मुल्क में चली बैन हो गया, 13,000 अकाउंट जो है ना वो बैन कर दिए उसने, सिर्फ किस वजह से कि यहाँ पे फ्रॉड होता है। ये तो हमारी कह रहे हैं कि हमारे खून में शामिल हो गया कि धोखा देना। अच्छा फिर एक और बड़ी मजेदार की बात है लोकसभा की, 76 लोकसभा हम जवाब दे दें कि 76 का मतलब है 70 cc, यानी कि जो हमारे यहाँ बाइक्स चल रही है ना मेजोरिटी में, समझ लें कि 80-90% ख्याल में उधर है वो भी नहीं, वो बता वो कह रहे हैं वो लोग सरकार के उधर हमारे यहाँ इतनी चलती है ही नहीं बेटे, और उन्होंने कहा और 70 का मतलब 70 cc और वो 1.5 लाख की बनी है, 1,62,000 की हो गई है तकरीबन इतनी है। हाँ 1,62,64,000 की हो गई है आज आज अगर उसकी प्राइस चेक करें तो ये 76 तो मैं हैरान ये हो रहा था असलम भाई उधर उनके यहाँ है ही नहीं, वो कह रहा है कि मेरे वाले साहब ने ली थी। अगर वो कह रहे हैं कि काउंट करें ना हम अपने पैसों में वो इंडिया की 40,000 बनेंगे तो 40 से भी वो सस्ती पड़ेगी। यार मेरी बात सुने क्यों फिर इस देखने को इंडिया से कितने पीछे हैं कि वो देखे सेवन सीधी यूज नहीं करते। मैंने एक तो बात हम तीनों लगाया है भाई कि पाकिस्तान जो है ना कभी भी इंडिया को बीट नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले जितना मर्जी कर सकता है बातों कभी नहीं कर सकता बातों में, क्योंकि भाई जहां पे इंडिया चला गया ना पहुंच गया कब पाकिस्तान कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में हर बुरा काम हर जो है ना कह ले के धोखा इस मुल्क में हो रहा है। धोखा में आपको पता पाकिस्तानी आवाम कितने नंबर पर है, नंबर वन पे है भाई, अगर नंबर वन से भी कोई आगे सुपर नंबर वन तो वो भी मेरे ख्याल इन्हीं को मिलता, सुपर नंबर वन कह रहे हैं पॉइंट्स असल में असलम भाई। और ये बात है क्या इस पर बोले, इस पर बोलने को पाकिस्तान ने छोड़े जिसको वो दिखाया कि पाकिस्तान हो सकता है, और पहले अकल के अंदर जा लो ये तो सोचो कि पाकिस्तान में कोई ऑफिस है, वो पाकिस्तान में कोई गूगल ने कोई ऑफिस खोला हुआ है, अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, हमें मतलब डायरेक्ट अगर कॉपीराइट का इशू हो कॉपीराइट आ जाता है, हमें कभी नहीं बताया जाता कि आप वायलेशन कर रहे हैं, हमें कोई कॉल नहीं आती कभी आज तक ऐसे इशू कॉल ये इस तरह का नहीं होता है, सिर्फ ईमेल आ जाती है वो तो हर एक को आती है ना, वो मतलब इंडिया के यहाँ जो सहूलत है वो हमारे यहाँ नहीं है। आई थिंक अगर मुझे कन्फर्म कर दें जो भाई इंडियन देख रहे हैं ना हमें जिनके सब्सक्राइबर क्या 1,00,000+ उनको आती है कि सबको ही आती है जिनके सब्सक्राइबर चाहे 5,000 हैं 10,000 हैं 2,000 हैं 4,000 जितने भी हैं सबको इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा
नहीं है, हमारे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। शानदार थी वीडियो, वेल डन यार आप, कितनी ये चीज़ें देखकर। मिलता नई वीडियो में नेट आप साथ, अब तक दीजिए इजाज़त।